नेक्स्ट क्यू एन ए भी करेंगे हम 2000 रुपये। तुम भोंक लो, नहीं तुम भोंक लो पहले। ये कुत्ते जो है ना, बड़े कुत्ते के बच्चे हैं। हेलो जी, तो पब्लिक कैसे हो? उम्मीद है भाई मस्त मजे में हो गए, और थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1067 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं, और मैंने सोचा था कि यार जब मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक क्यू एन ए वीडियो करूँगा। तो टुडे इज आवर क्यू एन ए वीडियो। क्वेश्चन तो बहुत सारे हुए थे, बट मैंने कुछ लिमिटेड क्वेश्चन जो मज़ेदार थे जिनका आंसर देने में मज़ा आना था, और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं यार, उनके क्वेश्चन थे तो उनका आंसर आज हम देने लगे हैं। नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, सबके क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका हम आंसर दे देंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि ये किसका क्वेश्चन था। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, भाई तेरे वीडियो में तू हाथ क्यों इतना हिलाता है? यार कभी सुना है हैबिट्स नेवर चेंज वाला सीन है? बस यार हाथ चला चला के, हाथ हिला हिला के, हाथ हिलाने की इतनी आदत हो गई है कि हाथ हिलता ही रहता। सॉरी यार, जस्ट किडिंग यार। एंगेजमेंट, पब्लिक एंगेजमेंट के लिए ना, मतलब एक्सप्लेन के साथ ना एक्सप्रेस जरूरी है। बोले तो अच्छा अच्छा अच्छा, समझा? नहीं तू समझा नहीं वाला सीन होता, तो इसलिए एक्सप्रेशंस और हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2, मैट्रिक किस शेयर में किया था? यार मैट्रिक मैंने किया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 3, तेरी वीडियो में मुझे कैरी मिनाटी की वीडियो की याद आती है, कहीं तू उसे कॉपी तो नहीं कर रहा? यार कॉपी का कोई सीन नहीं है। देखो सीन ये होता है कि बंदा, जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है ना, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, वो सबसे पहले तो अपने सीनियर्स को देखता है। अब मैं रोस्टिंग वीडियो जब भी बनाता हूँ ना, तो मैं पहले उससे कुछ रोस्ट वीडियोस को देखता हूँ। तो मैं कैरी मिनाटी, डकी की पुरानी वीडियोस, ट्रिगर्ड इंसान, इन बड़े बड़े तीन रोस्टर्स को देखता हूँ। इनकी वीडियो से इन्हीं को देख के सीखा है बंदा यार, तो उनमें थोड़ा बहुत तो मिलेगा ना। ये वाला सीन है यार, कॉपी किसी को नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी इनकम कितनी है? सबसे पहले तो भाई इनकम कितनी नहीं होती, कितनी होती है। और यार इनकम का ये सीन है कि आजकल के जो गवर्नमेंट ने गोल्ड लीफ के पैकेट के रेट कर दिया ना, मैं एक गोल्ड लीफ का पैकेट भी नहीं खरीद सकता इस इनकम से। इतनी इनकम है यूट्यूब की, इनकम यार इतनी है जितनी एक औरत के अंदर दिमाग होता है और एक टिकटॉकर के अंदर सेंस होती है। ऐसा दिया आपको, सॉरी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी बिना गाली के वीडियो तो बना? यार सीन ये है कि मैं गालियां नहीं देता, ये होती है भावनाएं हमारी, सही है? गाली इज नॉट अ गाली, इट्स अ फील। मतलब जब तक कि गंदा गाली नहीं देता ना यार मजा ही नहीं आता। गाली ये गालियां नहीं है, दीज आर फील्स ब्रो, इनको फील किया करो। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। गाली अल्लाह अल्लाह माफ कर, मैं गाली देता कब हूं यार। अच्छा भाई नेक्स्ट, वालेकुम अस्सलाम दावी भाई, कांग्रेचुलेशंस, बाकी अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे, कामयाबी करे। और बाकी आपसे सवाल तो कोई नहीं है, अर्ज है कि आप PSL पर कोई वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत थ्रिलिंग मैचेस हो रहे हैं। अच्छा भाई, वीडियोस हम PSL पे बना रहे थे यार, टॉक शॉक के नाम से हमने एक नया शो शुरू किया था, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं जिसकी वजह से हमें वो टॉक शॉक बंद करना पड़ गया। आएंगे दोबारा हम लोग बहुत जल्द आपके सामने इंशाल्लाह, आ रहे हैं। एक नाम है हमारा न्यू शो का, बच्चोत मुशायरा ऑफ PSL, आ रहे हैं बहुत जल्द दोबारा, बोलेंगे टेंशन नॉट, आएंगे। आपकी बेस्टी कौन है? बोले तो BFF। अच्छा जिसने किया है ना वो खुद है, उसके काम चेक करो। तो उसके लिए मैं इतना सा आंसर दूंगा यार, बेस्टी तो कोई नहीं है, लेकिन एक औलाद जरूर है मेरी। पता नहीं मैं 2015 से उसको पालता आ रहा हूँ। कब बड़ी होगी भाई तू, कब बड़ी होगी? खैर लेकिन यार बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी एक दोस्त है ये, और हमेशा मतलब साथ दिया है। और लड़कियों में मतलब मेरा लड़कियों से इतना बनता नहीं है किसी से, तो अपना सीन बड़ा ऑफ रहता है। ये बंदी लेकिन बहुत ही वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया तेरे लिए, इतना ही बहुत है, बस बहुत बहुत है, हजम कर ले इसको भी, तो झूठ बोला है मैंने वीडियो की वजह से। अच्छा भाई एक भाई ने हमसे पूछा है, औजार पर बाल समझ आते हैं, गोलियों पर बाल क्यों होते हैं? यार देखो नन्नू जो होता है ना, वो पैंट के अंदर और अंडरवेयर के अंदर अच्छा लगता है, तुम क्यों बाहर घूम रहे हो? सिंगल और कमिटेड? भाई कमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह विद माय हैंड। शक्ल पे मैंने वैलेंटाइन डे वाले दिन एक कुसरे को बोला था यार जानी चल ले मेरे साथ डेट पे, मेरा दिल कर रहा है वैलेंटाइन पे जाने का, उस तक ने मना कर दिया। बंदी की बात कर रहे हो यार, बंदी मुंह लगाएगी? कैसी बातें यार, कैसी बातें करते हो, दिल दुखाते हो, दिल से बुरा लगता है भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े कब होगे? बड़े होने का सीन ये है कि यार अभी से इतनी पंचायत पखराटे आ गई है हमारी जिंदगी में, और आजकल के जितने भी टीनेजर है ना, सबका आधे से ज्यादा तो सारा डिप्रेशन में मर जाएंगे, और आधे हैं ही डिप्रेशन में। भाई बड़ा होना ही नहीं है, इतने ही बहुत हैं बस। मैं कहता हूँ पीछे ले जाओ आपसी बचपन की, जरा वन से मैट्रिक, वन से मैट्रिक,
बार बार पढ़ाते रहो, बड़ा नहीं होना भाई। ये क्वेश्चन है कि मैं आपका क्या हूँ। समद भाई ने हमारे क्वेश्चन किया, इनका नाम मैं रिवील कर देता हूँ। मेरा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन, बहुत ही अच्छा दोस्त है यार। हर मुश्किल में काम आया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बंदा मेरे काम ना आया। जो मैंने बोला जब मुझे जरूरत पड़ी, भाई हो यार आप हमारे, इन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार कटा है यार? बहुत दफा, कई दफा। किस ने काटा है कैसे बताऊं? अच्छा, ये वो वाला काटा इसने नहीं पूछा, ये इसने वो वाला काटा जो बंदी वाला सीन होता है ना, कि यार बंदियों से सेटिंग हो, बंदी काट के चली जाए, धोखा देके चली जाए, वो ठुकरा के मेरा प्यार, वो वाला सीन है ये। वो वाला काटा का पूछ, मुंह लगाती नहीं है बंदी, कौन काटेगी? मैं तो चाह रहा हूँ कोई बंदी मुंह लगा ले, काटने के माने ही आ जाए भाई, मुंह लगा ले बस, काट के चली जाए बाद में बेशक। मैं बंदियों के मामले में सच बता रहा तो यार बहुत दफा आपके भाई ने काटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यू आर नॉट अपलोडिंग PSL टॉक शॉक? यार अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया, दो तीन क्वेश्चन पहले, कि वो PSL टॉक शॉक की वीडियो हम इसीलिए अपलोड नहीं कर रहे, कुछ रिस्ट्रिक्शन लग गई है। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है, PSL बच्चों मुशायरा के नाम से हम दोबारा आ रहे हैं, PSL पे दोबारा आ रहे हैं, टेंशन नहीं लो, PSL को छोड़ना नहीं है हमने भाई, PSL अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे बहुत ही अच्छे क्रिकेट के सीनियर हैं, तो आप बैटिंग कैसी कर लेते हो, मतलब क्रिकेट वाली? तो यार पहले से बहुत बेहतर। ओके, मज़ेदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है भाई, कौन सी नस्ल का कीड़ा है? यार गुलशन हदीद का नाम तो सुना ही होगा, गुलशन हदीद में एक पार्क है, बेनजीर पार्क, उसकी बैक साइड पर एक सोसाइटी है मेन, उस सोसाइटी में तीसरा या चौथा मकान है, उसकी डबल स्टोरी है, बीच वाले स्टोर में ना एक बंदा रहता है, जिस नस्ल का वो है ना, बस वही कीड़ा है। कैसे दिया आपको है? पिक्चर भेजी है और उसके साथ लिखा हुआ है, इसमें और इंसानी अज़ा में क्या फ़र्क है? तो भाई फ़र्क ये है कि इंसानी अज़ा एक मखसूस वक्त पे खड़ा होता है, जिसको हम खड़ा करते हैं, ये बंदा ना बिला वजह ही खड़ा हो जाता है, हर चीज़ में खड़ा हो जाता है, बाप बनने के लिए खड़ा हो जाता है, तो इसमें और उसमें बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नाम का फ़र्क है। पिक्चर में दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। बड़ा ही भाई कॉन्फिडेंशियल सवाल है कि भाई कहानी छोड़ दी यार, तुमने शुरू ही नहीं होने दी थी, मैंने तो तुमसे सिर्फ बताया था कि मैं ऐसा कोई कारोबार शुरू करूँ, तुमने रोना धोना शुरू कर दिया था कि यार तुम शुरू करोगे तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा अजीब सा है कि आदिल ने राखी सावंत को क्यों छोड़ा? मैं उनका कोई डाइवोर्स लॉयर थोड़ी था, मुझे थोड़ी पता है कि क्यों छोड़ा, बाढ़ में जाए छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हटा दे, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े यूट्यूबर बन गए हो, सही पैसे दे रहा होगा यूट्यूब, इतने पैसे दे रहा है यूट्यूब बता नहीं सकता, घर के बाहर 3-4 फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, 2-4 DHA में बंगले दे दिए, अभी तो मैनचेस्टर से आया मैं, प्राइवेट जेट मेरा बाहर ही खड़ा, दिखाऊं कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ वीडियो ले जाके दिखाऊं? अबे भाई ना यूट्यूब कुछ दे रहा है भाई, ना कुछ नहीं मिलता, कोई इनकम नहीं है, जब होगी तो अल्लाह देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे चैनल पे? नाइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन किया करो यार। व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरी ऑडियंस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा मिक्स मैच हो गई थी, क्योंकि कुछ मैं शुरू में व्लॉग्स करता था तो बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, ऐसे लोग थे, फैमिली मेम्बर्स थे जो लोग व्लॉग्स पसंद करते थे, वो लोग व्लॉग्स देखते थे, फिर मैंने बीच में रोस्टिंग शुरू कर दी, व्लॉग्स छोड़ दिए थे। अब व्लॉग्स छोड़ने की वजह से जब रोस्टिंग शुरू की तो जो व्लॉग्स वाली पब्लिक थी उन्होंने फिर क्लिक करना छोड़ दिया, जा रहे कुछ लोग होते हैं इनको रोस्ट पसंद नहीं होते इस तरह की सीन, तो उन्होंने छोड़ दिया था। अब रोज डालो तो आधी पब्लिक देखती है, व्लॉग देखो तो आधी पब्लिक, तो भाई मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, मैं व्लॉग्स के लिए नेक्स्ट मंथ 1 मार्च से एक न्यू चैनल बना रहा हूँ, उस पर मैं सिर्फ व्लॉग्स किया करूँगा, जिसको व्लॉग्स पसंद हो वो ये वाला चैनल अनसब करके वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कर सकता है, थैंक यू। अच्छा भाई, मेरा एक बहुत ही अच्छा कुलीग रह चुका है ये पुरानी, जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ पर, इसने बोला मर क्यों नहीं जाता बोस, ठीक है कितना जिएगा? अबे भाई तेरे जैसा धरती का बोझ नहीं मर रहा तो मैं मर के क्या करूँ? मैं मर गया तो इस यूट्यूब की दुनिया का एक कॉन्टेंट क्रिएटर मर जाएगा, एक कॉन्टेंट क्रिएटर खत्म हो जाएगा भाई, एक टैलेंट चला जाएगा इस दुनिया से, कैसा बंदा है तू यार, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,000 से 10,000 तक का सफर कब कर रहे हो पुत्र? यार देखो मेरे हाथ में होता तो मैं तो कल कर लेता वशा, मैं तो उड़ता हुआ करता, मेरे हाथ में होता तो मैं तो 1,000,000 का सफर तय कर लेता, ये तो देखो नसीब पे, देखो अल्लाह पाक थोड़ा हिट लगेगा, जाएंगे ऊपर तो फिर देखेंगे यार, ये 10,000 का सफर भी हो ही जाएगा तय, खैर होती है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शादी कब कर रहे हैं? देखो यार मेरे रिश्तेदारों के बाद ये कोई पहला बार का बंदा जिसने ये सवाल किया, यार नहीं किया करो ऐसे सवाल, नहीं किया करो यार, दिल से बुरा लगता है भाई, शादी को मुंह नहीं लगाता, कोई शादी करवा दो तुम हमारी, अच्छे नहीं लग रहे हम, सिंगल लाइफ जीते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल यू डू टिकटॉकर्स एवरी डे? अरे कहना क्या चाहते हो?
देखो यार, आपका सवाल तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन मैं आपकी भावनाएं समझ के मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि आपके कहने का मकसद है कि टॉकर्स की डेली लाइफ पर कब वीडियो बनाओगे। तो यार, जिनकी है ही कुत्ते वाली लाइफ, उनकी जिंदगी पे मैं क्या वीडियो बनाऊं और उनकी क्या कुत्ते वाली करूं। तो टुडे इज लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही मजेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है आखिरी दफा अब्बा ने कब धोया। देखो भाई, ये मेरा एक दोस्त है, बड़ा ही कमीना है, ये मेरे अब्बा को किसी और नाम से बुलाता है तो मैं वो नाम पब्लिकली बता नहीं सकता। अब्बा ने मुझे काफ़ी टाइम हो गया धोया पोया नहीं है, अब्बा मारते नहीं है। ऐसे सीन भी होते हैं कुट खाने वाले तो अब्बा छोड़ ही देते हैं कि यार जाओ बड़ा हो गया। लेकिन आखिरी दफ़ा मैंने खाई थी मार अब्बा से पबजी के चक्कर में, कि मैं रात को, मैं उस टाइम जॉब नहीं करता था, जॉबलेस था, पबजी खेल के मैं सोया हूँ तकरीबन 5:30-6 बजे अब्बा से गालियाँ सुन के सो गया हूँ। उसके बाद मेरी सुबह हुई है 3-4 बजे के टाइम मेरी सुबह ही हुई थी। एक दोस्त ने नया फ़ोन लिया था, उससे पबजी इंस्टॉल और उसकी आईडी वगैरह नहीं बन रही थी, वो घर आ गया जी। उसने गेट बजाया, बुलाया बाहर मुझे, यार ताबिश ऐसा ऐसा सीन है, मुझे जो है आईडी बना दे इस मोबाइल में, पबजी अब सेट करके दे दे। अब मैं भाई उसकी मोबाइल वोबाइल सेट करने के लिए बाहर गया हूँ, बाहर मेरे घर के खड़ा होता था एक रिक्शा, मैं रिक्शे में बैठ के उसके फ़ोन में सही कर रहा था। तो पापा ने देखा कि मैं उठा था, अभी शार्ट हो गया, पापा ने बाहर झाँक के देखा मैं रिक्शे में बैठा हुआ था। पापा टहलते हुए आए, देखा उन्होंने मुझे रिक्शे में, मैं फिर पबजी। ओए होए होए होए, पापा ने मुझे पकड़ा, यहाँ से बाहर निकाला, गेट की तरफ धक्का दिया। अच्छा, हम फुल चौड़े चल रहे, हम बोल रहे जी इससे क्या होगा, फुल चौड़े में ना सीरियस हो गए, बोलना अब इससे क्या होगा। बस फिर पापा ने उतारा जूता और उठाई एक आदमी डंडी और बस मारते गए और बोलते रहे इससे ये होगा, एक पड़े और बोले इससे ये होगा। भाई वो दिन था, नसीहत कर ली थी अब्बा से दोबारा कभी नहीं पूछना किस चीज़ से क्या होगा। भाई बड़ा बुरा होता है यार, बहुत बुरा होता है। थैंक यू सो मच आप लोगों के तमाम सपोर्ट के लिए और इतने सारे क्वेश्चंस के लिए। यार क्वेश्चंस बहुत सारे थे बट कुछ लिमिटेड निकाल पाया हूँ, जिन लोगों के नहीं किए वो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्यू एन ए हम करेंगे 2K पे, और 2K पर जो लोग अभी रह गए उनका नेक्स्ट टाइम हम वो क्यू एन ए करेंगे। और यार नेक्स्ट टाइम ना और मज़े के सवाल करना, अभी बड़े मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सवाल थे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, एक दो दिन में वो भी आ रही है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह।